लोहरदगा में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिर पावरकंज से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में लगभग 1100 महिलाएं और कन्याएं शामिल हुई। कलश यात्रा अमला टोली थाना टोली पुरानी सड़क होती हुई गुदरी बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में पहुंचकर समाप्त होगी। कलश यात्रा में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष लकड़ा सहित विभिन्न पूजा पंडाल के पदाधिकारी समेत विभिन्न हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे। लोहरदगा शहरी क्षेत्र माता के दरबार में कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र का पाठ शुरू हो गया है। दुर्गा पाठ से लोहरदगा नगरी भक्तिमय हो गया है। वहीं शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के साथ पूजा पंडाल कमेटी के सदस्य तैनात हैं, ताकि माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। आज प्रथम दिन है मां की पूजा के साथ पूजा जो है प्रारंभ हुई है। 9 दिन हम लोगों का जो है पूजा चलेगा। हम लोग मातृशक्ति की पूजा करेंगे और इसमें पूरा लोहरदगा जो है सनातन समाज एकजुट होकर माँ की आराधना करेगा। 24 तारीख विजयदशमी के दिन हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा, इसमें रावण दहन, आतिशबाजी और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो मेला का मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस वर्ष हमने 60 फीट के रावण का प्रावधान रखा है, 55 फीट कुंभकर्ण और मेघनाथ है। सबसे पहले हमारे समस्त देशवासियों को सबसे पहले नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम बधाई। जो नौ दुर्गा हमारी आ रही हैं माँ, और 9 दिन अभी हमारे साथ ही रहेंगी। और अभी हमारा जो कार्यक्रम हुआ कलश स्थापना, ये हमारा पूरा नगर भ्रमण में हुआ। और उसके बाद दशमी के दिन हमारा मेघनाथ कुंभकर्ण एंड रावण का दहन होगा, जो 60 फीट की ऊंचाई का एक रावण का दहन का कार्यक्रम होगा। और हम लोग इस बार नौ दुर्गा से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सनातन के लिए एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। इसी कामना के साथ सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। नवरात्र का पहला दिन है, कलश स्थापना होगा, नगर भ्रमण किया जा रहा है। बहुत हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष सभी लोग निकले हैं। अभी यहाँ से ठाकुरबाड़ी में कलश स्थापना होगा और पूजा का प्रारंभ होगा। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।